सर आप नुकसान क्या मोदी साहब को मिलने वाले हो क्या ये 5 लाख मंदिर छोड़ाने के लिए? नहीं उसके वो सुनता नहीं है सर, लेकिन अगर दोनों भी हिंदुत्ववादी है वहाँ भी हिंदू, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, वो तो उत्तराखंड में सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया, आपने छुड़ाया ना फिर मैं, तो इसके माने वो नहीं है ना। तो मैं जो जिसको पता भी नहीं है कि ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, उसके लिए मैं कोर्ट में जाकर छुड़वाऊंगा। मंदिर सरकार के पास से लोगे तो फायदा क्या है उसका? कोई फायदा मंदिर सरकार के पास से वापस लोगे तो उसका फायदा क्या है? हमारी देश फिर स्वाधीन होगी, जैसे हम सोशलिज्म जो रशिया में है या चाइना में है वैसा हमारे नहीं है। सर आप भी बीजेपी के, आपने बोला अभी आप भी बीजेपी के अलग टाइप से काम करते हो। अलग टाइप से नहीं काम करता हूँ मैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो के अनुसार काम करता हूँ। तो मोदी सरकार नहीं चल नहीं कर रहे मैनिफेस्टो से नहीं चल मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारी तो नाइटमेयर प्रोजेक्ट हो गया ना। सर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे कोई भी धर्मशाला मठ या मंदिर है वो तोड़कर हम ये कॉरिडोर नहीं बना रहे, आप कृपया करके रूमर्स मत फैलाओ, आपने उनसे चर्चा नहीं की? नहीं करूँगा क्योंकि बेमतलब है कि हम इसको नहीं तोड़ेंगे उसको नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर क्या दोबारा बनाओगे? ये जो भी करना है यहाँ की जनता से पूछ कर करो, कोई रोड की साफ करनी है झाड़ू लगानी है तो लगा सकते हो, बट मैंने जो देखा है अभी वहाँ वो दिखा रहे थे कि इसको तोड़ने के लिए नोटिस आ गई, इसके लिए तोड़ने के लिए नोटिस आ गई। हाँ तो हमें बुद्धू नहीं बना सकते देवेंद्र फडणवीस के बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्या? मैं क्यों मैं वो जो बोलूँगा उसी पर भरोसा कर सकता हूँ, और जो मैंने देखा और जहाँ जो सुना है और जो मैंने कागज़ देखे हैं उसके अनुसार उसको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो संविधान के खिलाफ है या बराबर चल रही है? वो तो तोड़ के बनाई ना, वो तो अनैतिक है। सर मोदी और सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर? रावण से तुलना नहीं की, ट्वीट किया मैंने कहा कि लाइक रावण, दैट मीन्स वो अहंकार में कई चीज कर रहे हैं। रावण भी बहुत रावण तो मोदी से भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था, परंतु वो अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में किसी की सुनता नहीं है।